ऑगस्टा पर इंडिया न्यूज के बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को लेकर हिंदुस्तान की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इंडिया न्यूज ने इटली की अदालत में फैसला लिखने वाले उस जज का इंटरव्यू किया जिसने साफ साफ कहा कि ट्रायल के दौरान सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का नाम आया लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सबसे पहले सुनिए मिलान कोर्ट के मजिस्ट्रेट मार्को माइगो का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि त्यागी बंधुओं और फिन मैकेनिका कंपनी के बीच डील हुई। It's clear that the court, the judgment of the court, the object of the judgment of the court was only the relationship between Mr. Orsi, Mr. Spagnolini, Augusta Westland and Mr. Shashi Tyagi. So we had some traces of the presence in this story of many other people. इंडिया न्यूज ने जब कागज पर लिखे इनिशियल्स का मतलब पूछा तो सुनिए जज ने क्या कहा। इनिशियल एपी एपी हैज बीन इंडिकेटेड बाय द इनिशियल्स ऑफ मिस्टर अहमद पटेल एंड देन इन द एंड फैमिली द एक्सपेंसेस फॉर द फैमिली त्यागी। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि ये जो नाम है इनके हमारे कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि ये लोग कुछ हो सकता है इन्वॉल्व हो, कुछ हो सकता है नहीं इन्वॉल्व हो, लेकिन हमने इटालियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इसको आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का नहीं था। इटालियन इन्वेस्टिगेटर्स केवल एसपी त्यागी और जो फिन मैकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स के ऑफिशियल्स और मिडिल मैन थे उनके बारे में फोकस कर रहे थे। No evidence, no, and as I said, it's not our specific interest to individuate him, because it's not essential for our judgment. Okay. Round the story, the principal story of the. सोनिया गांधी का इसमें क्या रोल है? इस सवाल के जवाब में जज ने कहा, गवाही के दौरान सोनिया का नाम आया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। There are two other Indian politicians who were in the government when this deal took place. Sonia Gandhi, former Prime Minister Manmohan Singh, their names have also appeared in your judgments. Where are the, those names and why those names have appeared? As indicated in the, also in the exposition of the reasons of the judgment, of Ms. Sonia Gandhi, we have no evidence.